काले उत्पात करुथिला लोकंकु कोचाड़ी मारिथिला हाथीकु बौद्धरु ट्रांकुलाइज करिथिला वन विभाग ढेंकानाल आखि बुझिला उत्पात करुथिबा गंता केमिति ओ काहिंकि घटिला हाथीर मृत्यु ये हेउछि सेही दंता जे दिने जंगलरु आसी जनबसतिरे तांडव रचिथिला लोकंकु गोडाउथिला एकुटिया पाई कोचाड़ी मारुथिला एमितिकि दुई जणंक जीवन नै जाइथिला एही दंता यहपर वन विभाग दंता को ट्रांकुलाइज करने को बाध्य होता हाइवे लोड कर ढेंकानाल कपिलास हाथी उद्धार केन्द्र को अणा जाता तेरे एठार पहुंचा पर हाथीर मृत्यु होता सूचना आसुच हाथी मृत्युर कारण स्पष्ट रही बेले प्रशासन दायित्वबोध को नहीं प्रश्न उठी अंपटे ट्रांकुलाइज बेले मात्राधिक निशा डोज कारण हो पारे अनुमान गतकाली हाथीटी को बौद्धर ट्रांकुलाइज करू कर ढेंकानाल कपिलास हाथी उद्धार केन्द्र को अणा जाता कपिलास रे पहुंचा पर तार स्वास्थ्य अवस्था जांच भी करा जाइथिला दंता को स्वतंत्र ट्रक साहाज्य रे कपिलास को अणा जाइथिला हाथीटर बयस 30 रु 35 वर्ष हेबो बोली अनुमान करा जाउछि एहा को मिसाई कपिलास हाथी उद्धार केन्द्र रे थिबा हाथी को संख्या 8 को वृद्धि पाइथिला एहि नरहंता दंता हाथीटी बौद्धरे बहु धन जीवन हानि करबा सह घर भांगिबा सह फसल भी हानि करि आसुथिला जेंति पई वन विभाग पक्षरु उक्त हाथी को काबू करा जाई ढेंकानाल अणा जाइथिला बोली डीएफओ कहिथिले हाथी उद्धार केन्द्र रे थिबा क्रल मध्यरे उद्धार हाथी को रखा जाइथिला हाथीर व्यवहार उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जिबा सह तार हिंस्रता कमेबा पई आवश्यक पदक्षेप निया जिबो ओ स्वास्थ्यर जत्न निया जिबो बोली कैमेरा पछरे कहिथिले डीएफओ किंतु आज हाथीर आकस्मिक मृत्यु को नहीं प्रश्न उठिछि जतिकि मात्रा रे डोज दिया जाए ताठू अधिक दिया जाउथिला कि काहेकि हेवी डोज देले कर्मचारी हेवी डोज देबा को किए देले निर्देश हाथी मृत्युर दोष एवं किए मुंडाइब ता वर्तमान तदंत सापेक्ष होगा दरकार कामाख्या नगर रु विद्याधर बरालंग रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।